कार्य संबोधन सर आप एक से सर आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की मूवी लगी आपको। देखिए ये सवाल ही गलत है, ये मूवी नहीं है, ये फिल्म नहीं है, ये एक्सपीरियंस है जो आज के यूथ ने देखना चाहिए। मैं शिवरी से उलाका पर्वत से हूँ मैं, और स्वर्गीय आनंदी के साथ के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, उनको देखने का मौका कभी मिला नहीं था, लेकिन मैं थैंक बोलना चाहूँगा मंगेश देसाई जो हमारे दोस्त हैं, जी स्टूडियोज, प्रवीण तरडे, ये सब ये और धर्मवीर की सब पूरी टीम को कि एक अलग अनुभव हमें देने के लिए। और प्रसाद हो इनके बारे में क्या बोलूँ यार, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्वर्गीय आनंदी के साहब का किरदार निभाया है, उनकी आँखें, उनका ठहरा, मुझे लगता है ये फिल्म नहीं एक एक्सपीरियंस है, और महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति ने देखना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र की नहीं, पूरी पूरे भारत देश या दुनिया की हर एक व्यक्ति ने स्वर्गीय आनंदी साहब का ये जो उनका कार्य है ये चीज़ें हैं, सो दिल से अच्छा लग रहा है, और सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और आज ही पता चला कि 4 दिन में जो धर्मवीर मुक्कम पोस्ट आने की जो बुकिंग है वो तो यानी रिकॉर्ड ब्रेक है, तो ये अच्छी बात है, बहुत सारी शुक्रिया, थैंक यू। और मैं मराठीत बोल रहा था, बेसिकली हा सिनेमा नाही, ही भावना आहे, ही फीलिंग आहे। धर्मवीर आनंद डीजे हा जो आपण चित्रपट बघतो, त्या चित्रपट बघताना अजूनही गेल्या 25-30 वर्षापूर्वी जर ती गोष्ट असली तर तो सिनेमा ऑफकोर्स सिनेमा येतो, ऑफकोर्स सिनेमा आहे, पण तो बघताना कुठे सिनेमा वाटत नाही। कारण डीजे साहेबांना मी भेटलेलो आहे, मी ज्या मार्मिकचे शो करायचो बाळासाहेबांचे, त्या काळात डीजेंना भेटलेलो आहे, डीजेंचा मी आशीर्वाद घेतलेला आहे। तर ती भावना, त्यानंतर ते एक्सप्रेशन्स, तो म्हणजे हा सिनेमा आहे, आणि हा सिनेमा चुकू नये असं मला वाटतं। एंटरटेनमेंट व्हॅल्यू खूप आहे, बहुत एंटरटेनमेंट व्हॅल्यू आहे, व्हेरी गुड डायलॉग्स, व्हेरी गुड स्क्रीन प्ले, व्हेरी गुड परफॉर्मन्स, ये सब आहे इसमें। एक साथ आपको फिल्म भी मिलेगी, लेकिन एक जगह पे आपको ये अलग एक एक्सप्रेशन मिलेगा, एक एक्सप्रेशन से तो सिनेमा या बघा, एन्जॉय ऑफकोर्स एन्जॉय करा, पण तो काळजाने हात घालणारा सिनेमा धर्मवीर आनंद डीजे। सर जानना चाहूँगा डायरेक्शन किस तरह का लगा और स्टोरी। अरे बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है डायरेक्शन, वही बोला एक कंप्लीशन जब होते, जब कंप्लीट होते ना एक फिल्म, जो तुम्हारा कंप्लीट वाटते तो पिक्चर भावते हो तुम्हारा। बहुत अच्छा डायरेक्शन इसका, क्योंकि इसका राइटर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर एक ही है हमारा दोस्त प्रवीण तरडे, उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, खूब त्याने अभ्यास केला याचा, त्यावरचे मांडले तसे होऊ शकत नाही, एका 2 दिवसात होणारी गोष्ट नाही, 2 दिन में होने वाली, 2 महीने में ये चीज होने वाली नहीं है, कम से कम 2 साल लगे हुए। और बेसिकली मंगेश देसाई जो हमारा दोस्त है, मंगेश देसाई आपला मित्र है, त्याने इतकं फील केलं असणार, एकनाथ शिंदे साहेब स्वतःजिकडे राहिले आहेत, डीजे साहेबांवर राहिलेले आहेत, त्याने एवढं सगळं फील केलं असणार, कारण प्रवीण खूप सोपं गेलं असं, आणि आजूबाजूचे ठाण्यातले कॅरेक्टर्स त्यांनी एवढं फील केलं आहे, तिने सगळं मांडायला त्याला सोपं गेलं असेल, पण स्वप्न तसं काहीच नाही। अरे तो बेसिकली ही अ व्हेरी नाईस ऍक्टर, खूप छान ऍक्टर आहे, माझ्याकडे सिनेमात त्याने काम केलं होतं, आम्ही एकंदर काम केलं होतं, खूप छान ऍक्टर आहे। मला जेव्हा त्यांनी सिनेमा रिलीज व्हायच्या अगोदर म्हणून त्यांनी फोटो दाखवला, म्हणजे हा बघ फोटो, मी जवळ 2 ते 3 मिनिटं फोटो बघत होतो, डीजे साहेबांचा फोटो आहे, हो ना, हो तो मी आहे, वॉट म्हटलं, हो विद्याधर भट्टीची कमाल आहे। तर मेकअप से लेके डायलॉग, परफॉर्मन्स और किधर गायकवाडवा दो जो फोटोग्राफी है, भाई आपको का फिल्म नहीं लगती, लाइटिंग नहीं लगता, झूठ कुछ लगता, ये फील जो हो रही है बिकॉज ऑफ दैट लाइटिंग, तुमसे कलोकल डायलॉग से परफॉर्मन्स सगळं खरं वाटतंय, असं वाटत नाही आपण 2022 फिल्म बघतो, 30 साल पहिले की बात आहे, 30 वर्षापूर्वी धर्मवीर। Thank you so much, sir.
थोड़ा सा और कंटेंट चाहिए, थोड़ा सा और इंटरव्यू कर लो, थोड़ा सा प्रवीण तरडेंच्या भाषेतच सांगतो, खतरनाक मूवी होती आणि मला खूप आवडली, कारण प्रवीण तरडेंचं लिखाण, त्यांचं डिरेक्शन खूप उत्तम आहे आणि केदार गायकवाड यांनी DOP आहेत ते, आणि फार भारी सिनेमॅटोग्राफी झालेली आहे. आणि प्रसाद ओकचं विशेष कौतुक करेन मी, कारण ॲक्टर म्हणून खूप सारं शिकायला मिळालं. मी तिसऱ्यांदा बघतो आहे सिनेमा, मी ऑलरेडी दोनदा तिकीट काढून बघितलं आहे. मी तिसऱ्यांदा पार्टी आहे, सक्सेस पार्टी म्हणून आलो आणि खूप भारी वाटतं आहे. प्रसाद ओककडनं खूप सारं शिकायला मिळालं आहे आणि मला वाटतं वन ऑफ द बेस्ट काम आहे प्रसाद ओकचं. आणि प्रसाद ओकसाठी जर तुम्ही सिनेमा हा बघितला नसेल तर प्लीज जाऊन थिएटरमध्ये बघा, आणि बघितला असेल तर माझ्यासारखा परत परत जाऊन बघा, कारण धर्मवीर म्हणजे हॅटशॉप आहे सगळ्या टीमला. आणि क्षितिज दाते आमचा नवीन ॲक्टर आहे, आमच्या पिढीचा आहे, सो त्याचं पण कौतुक करेन, कारण त्याने पण एकनाथ शिंदे खूप उत्तम साकारलेला आहे आणि प्रत्येक ॲक्टरने जीव ओतून काम केलेलं आहे. मला असं वाटतं की प्रवीण तरडेंनी जेव्हा सिनेमा करायला घेतला असेल तेव्हा आनंद दिघेंना खूप मनापासून प्रेम केलेलं आहे आणि ते प्रेम स्क्रीनवर दिसतं. प्रसाद ओकने खूप मनापासून काम केलेलं आहे आणि प्लीज थिएटरमध्ये जाऊन बघा हा सिनेमा. मराठी सिनेमा खूप उत्तम घडतो आहे, तुम्ही प्रेक्षकांनी जर प्रेम दिलं तर तो उत्तम चालेल आणि साता समुद्र पार पाहिजे. थँक्यू. सर जानना चाहूँगा, ट्रेलर को काफ़ी कमाल का रिस्पॉन्स मिला है, आज स्पेशल स्क्रीनिंग है, क्या कुछ कहना चाहोगे इस मोमेंट के, किस तरह से देखते हो? इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द मराठी फैटर्निटी. एक तरफ मैंने डायरेक्ट की हुई चंद्रमुखी अच्छी चल रही है और दूसरी तरफ जिसमें मैंने एक्टिंग की है धर्मवीर, वो भी बहुत अच्छी चल रही है. तो एक कलाकार के लिए इससे अच्छा मोमेंट क्या हो सकता है ज़िंदगी में, कि एक ही महीने में 15 दिन के गैप के बाद उसने डायरेक्ट की हुई फिल्म भी आई है, उसने एक्टिंग की हुई फिल्म भी आई है और दोनों फिल्मों को ऑडियंस जो है वो सराह रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है दोनों फिल्म को, तो बहुत खुश हूँ. सर, व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट दिस रोल, सो वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू और यू हैव टेकन दिस एज अ चैलेंजिंग? बोथ द सेम, यू हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट टू प्ले दिस रोल बिकॉज लाखों लोग हैं जो दिघे साहब को भगवान मानते हैं, तो उन सब की भावनाओं का सम्मान करना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इस रोल के लिए. तो बहुत संभाल के, बहुत माइंड को बहुत क्लियर रखते हुए, ताकि कुछ किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, कहीं कुछ कंट्रोवर्सी ना हो, ये सब ध्यान में रख के पूरी फिल्म बनाई गई और मैंने काम भी उसी तरह किया. सर, फिल्म में जो गुरु पूर्णिमा का जो पूरा किरदार है उसको काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिले जी, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, वो मोमेंट किस तरह से आपने किया? लगातार बहुत सालों से शिवसेना में होता आ रहा है, मराठी कल्चर में होता आ रहा है, गुरु को हमेशा पूजा जाता है. तो माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी ठाकरे, इनको दिघे साहब गुरु मानते थे और शिंदे साहब दिघे साहब को गुरु मानते थे. तो ये जो शिवसेना में चला आ रहा है बरसों से, वही गाने में दिखाया गया है कि किस तरह से दिघे साहब ठाकरे साहब की पूजा करें और किस तरह से शिंदे साहब दिघे साहब की पूजा करें. और ये मराठी महाराष्ट्र का बहुत जाना माना और बहुत सम्मानित हुआ ये कल्चर है कि गुरु की पूजा करनी चाहिए शिष्यों ने मिलकर, तो बस वही दिखाया गया है उस. तो वो जो फीलिंग है वो इतना प्योर है कि वो लोगों को बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.